राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। खाद न मिलने के चलते किसानों ने दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं किसानों को दिए जाने वाले टोकन भी कार्यालय खुलने के पहले ही बांट दिए जाते हैं, जिससे ज़रूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल रहा पा रही। वहीं बड़े व्यापारी यहां से खाद ले जाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने तीन गुल्ली के पास सागर दमोह स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। यहां पहुंचे कई किसानों का कहना था कि वे लगातार यहां खाद लेने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। वहीं जाम की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश देने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में किसान रोड पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। क्या कुछ कहना था किसानों का, आइए आपको सुनाते हैं। जिनको टोकन बट चुके हैं तो खाद नहीं आएगा। हम लोग को टोकन दे, हम लोग कायदे की बात है, जिनको टोकन नहीं मिलेगा टोकन। अब ये सही करो, सब को बुला लिया, लांच लगा दो। आपका कहना गलत यहाँ है कि हम साधन लेके आए, तुम कह रहे हम साधन लेके आए, अब हम क्या करें। ये बताओ तुम साधन लेके आए, हमसे भी आए टोकन, कितनी बेरा आपको टोकन मिलेगा बोलो। अब हमारा टोकन ला रहे हैं, टोकन जी कल बोल रहे थे कि 8 बजे से मिलेगा, कोई से बोला 11 से शुरू होगा टोकन, 6 बजे से क्यों बांटा टोकन बोल रहे हैं। खाद लेने आते हैं, खाद नहीं मिलता, 4-5 दिन से भटकता है किसान। बिजली मिलता क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं, टोकन वाले आना, टोकन लेने आओ तो 6 बजे आ जाते हैं, यहाँ कहते हैं टोकन बट गए। 6 बजे किसान आए यहाँ, टोकन नहीं मिले, बोल दिया कि बट गए टोकन। कहाँ जाता है तो ब्लैक करने होंगे, कहाँ जाता होगा। कर्मचारी भी समय से नहीं आते, कर्मचारी तो आते, कर्मचारी अगर सही समय से खाद बांटे तो जनता बिल्कुल ठहरने पे है। और जो कूपन है वो यहाँ पर किसान क्या गाँव से 6 बजे आ जाएगा, 20-30 किलोमीटर दूर से। ये किसान को इतना रोज परेशान कर रहे हैं, कोई दिन नहीं है। अभी कोई आता है, चलो भाई नेता गिरी चल रही है तुम्हारी, यहाँ आता है कोई बोलने को कि किसान को एक बगल से खाद दो। क्या समस्या हो रही है, खाद नहीं मिल रहा है, 3-3 दिन का किसान पड़ा है यहाँ पर रोज आना। ब्लैक में माल जा रहा है, क्या कह रहे हैं अधिकारी, ब्लैक में बड़े बड़े सेठ लोगों के पास जा रहा है माल। क्या कह रहे हैं अधिकारी, अधिकारी क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, कह रहे नहीं हमने बांटा है, थोड़ा बहुत लान से देंगे कल बांटा है। पहले स्पष्ट बता ना, 6 बजे सुबह दे रहे हैं उनको कूपन, दे रहे हैं। हम लोग कलेवा बांध के आ रहे हैं, शाम को जा रहा है, 3 दिन हो चुके हैं जो खेती से चुकी है, ऊपर फिर वो सूख जाएगी, फिर लाइट भी कम मिल रही है, ब्लैक में टोकन चल रहे हैं। कहाँ पे आते हैं आप लोग खाद देने के लिए, सोसाइटी है यहाँ से मिल रहा है, जब तो ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं, कितने दिन से परेशान, यहाँ से 1 हफ्ते से डेली आ रहे हैं, कभी 1 बोरी मिल रही, कभी 2 बोरी मिल रही, डेली को आ रहे हैं, कछु नहीं मिल रहा है।
ब्लैक में जो सीट लोग हैं वहाँ से ले तो वहाँ से मिल रहा है तो 1800 बोरी मिल रही है। कितने रुपए ऐसे लेते हैं? एक्स्ट्रा 1800 1700 ऐसी दे रहे हैं। इसका एक्चुअल प्राइस 13